तो गाइस 2-3 दिन से ना एक वीडियो पर मेरे कमेंट आया था। मैंने पता नहीं क्या उसके अंदर कहा था कि उस पर कमेंट आ रहे थे कि भाई हमें बताया जाए कि यूआरएल कैसे बनाया जाता है, चैनल का ना यूआरएल कैसे बनाया जाता है, 200 सब्सक्राइबर के बाद हमें ये मिल जाता है, ठीक है। तो कैसे बनाया जाता है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने ये वीडियो लास्ट तक देखते रहना, इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। तो 200 सब्सक्राइबर मेरे एक चैनल पर हो चुके हैं, मतलब चैनल नहीं था मेरा तो नहीं है, लेकिन किसी का तो उसने मुझे दिया था, तो कहता था भाई आप बना देना ज़रा से, ठीक है। तो मैंने कहा 2 मिनट की वीडियो भी बना लूंगा और आपको भी बता दूंगा। तो उससे पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, आप एक भी स्टेप मिस करोगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, उससे पहले वीडियो लाइक कर दें, देख ले वीडियो। तो गाइस ये वाइट स्टूडियो ओपन एप्लीकेशन ओपन हो रही है, ठीक है। तो आपके सामने मैं सारा कुछ आपको बता दूंगा किस तरह आपने यूआरएल अपने चैनल का बनाना है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते ही रहना है आपने, ठीक है। तो जैसे ही आप मिस करोगे तो आपको गलती हो जाएगी और फिर आपका जो यूआरएल होगा वो मतलब कि अच्छे से नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है जी, सिंपल ये देखें, ये मोनेटाइजेशन पेज है, आपको नीचे इस तरह इधर कुछ आपको ये देखें, ये आपको इस तरह पर आपको ये आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना। सिंपल से क्लिक करने के बाद आपके साथ सामने कुछ आगे का इंटरफेस शो होता है, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा, वो आ गया, ठीक है। ये देखें, ये आ चुका है इंटरफेस। फिर आपने ये देखें जी, इधर बेस इन्फो लिखी हुई, तो आपने इस पर क्लिक करनी है। फिर आपने सिंपल से थोड़ा सा क्रॉल करना है। क्रॉल करने के बाद ये देखें, ये आपको चैनल यूआरएल देखने को मिल रहा होगा। ये आप उतनी देर तक नहीं कर सकते जिन देर तक आपके 200 सब्सक्राइबर नहीं होते। तो फिर आपको इधर न्यू लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता, तो आपने ये सेट अ कस्टमाइज यूआरएल फॉर योर चैनल, तो आपने इस पर क्लिक कर देना सिंपल से, ठीक है। ये देखें, उसने एक मिनट तो इसको हम बैक ही रहने देते हैं। ये देखें, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो इधर आ रहा है, वो कह रहा है ये अपना आप कोई भी नाम रख दें, जैसे कि अभी हम देखने के लिए अपना नेम ही लगा देते हैं। तो इधर से जीम, ये देखते हैं अभी क्या हुआ, वो किधर गया, ये देखें वो आ चुका है, ये हमने लिख दिया। इसको हम डिलीट तो कैसे करें यार, इधर से दिखता नहीं है, इस तरह कर लेते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, फिर इधर से इधर इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। आपने सिंपल से जो भी आपके चैनल का नेम होगा वो आपने लगा देना है, जैसे कि उसका तो चैनल का नेम वो ही है ना, तो हम डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह कर दें, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। जो भी लगाना चाहते हैं तो ऐड टाइटल लगा दें, हम लगा देते हैं न्यू वीडियो, ठीक है, वो कुछ भी लगा दें। फिर आपने क्या करना है जी, ये पब्लिश, आपको साइट पर पब्लिश का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आपने पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद आपका जो वो होगा ना, वो जो कंटिन्यू, हमारा यूआरएल बनकर तैयार हो चुका। तो अब बैक चलते हैं, अब मैं यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ। ये देखें जी, इधर मैंने इस चैनल को सब्सक्राइब तो किया ही होगा, देख लेते हैं। ये देखें, ये चैनल आ गया, इसको हमने इधर क्लिक करना है। सिंपल क्लिक करने के बाद अबाउट के अंदर चले जाना है और ये देखें आपके सामने उसका चैनल का यूआरएल बनकर तैयार हो चुका है। ये वीडियो सारी आपको पता चल चुकी है, वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़। तो गाइस सारा कुछ आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप मोबाइल पर समझा दिया, ठीक है यार। ये बहुत अच्छी ट्रिक आती है क्योंकि हम मोबाइल पर समझा देते हैं तो अच्छे से आपको मतलब कि वीडियो की समझ भी आ जाती है और सारा कुछ आपका सोल्व हो जाता है। तो इससे पहले उससे अब तो आपने सारी वीडियो देख ही ली होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, वीडियो लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, खुदा हाफिज़।